एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज आपकी बहुत ही रिक्वेस्ट पे मैं आज, आज आपको बनाना सिखाऊंगी जिप पिलो इसकी बहुत आसान कटिंग एंड स्टिचिंग होती है तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप जो भी कपड़ा बनाना चाहते हैं जिस तरह का भी बनाना चाहते हैं उसके दो पीस आपको चाहिए यू हैव टू टेक टू पीसेज ऑफ क्लॉथ एंड द लेंथ शुड बी एटलीस्ट थर्टी वन इंच इसी तरह अगर विर्थ देखी जाए तो विर्थ तकरीबन आ जाती है आपके पास 18 इंचेस ठीक है नॉर्मल पिलो की यही मेजरमेंट्स uh, होती हैं आप चाहे तो यू कैन ऑल्सो प्लेस द पिलो ऑन द फैब्रिक एंड मेजर द लेंथ एंड विर्थ और वैसे नॉर्मली जो पिलो की होती है वो यही होती है अब uh, फ्रेंड्स ये जो पिलो है ये फ्रंट साइड का है इसमें मैं तकरीबन दो से तीन इंचेस ज़्यादा ले रही हूँ कपड़ा ठीक है जो लेंथ है

अब फ्रेंड्स दोनों पीसेस को साथ रख लीजिए और ये देखिए मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है इसको आप थोड़ा सा फोल्ड करके प्रेस करेंगे तो प्रेस के बाद आपकी ये इस तरह की शेप आ जाएगी दोनों को मिला के रख लें अब ये जो ज़िप है आपके पास बड़ी जिप भी हो तो आप उसे काट सकते हैं ज़िप ऊपर प्लेस करके जस्ट लीव थ्री फिंगर्स गैप फ्रॉम बोथ साइड्स बिकॉज़ ये सिलाई में आ जाएगा एरिया ठीक है जब भी कपड़ों पे भी ज़िप लगाएं तो हमेशा वो हम इसी तरह लगाते हैं और फोल्ड करने का मकसद ये होता है कि दूसरी साइड से आपकी जो शेप है वो बहुत अच्छी आएगी अब इस तरह बहुत ही सलीके से आपने इस ज़िप को ऊपर रखना है और फिर हम इस पर पिन्स लगा देंगे जो स्कार्फ की पिन्स होती हैं कोई से भी पिनज लगा के इसको आप फिक्स कर लें ताकि जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो ये अपनी जगह पर रहे ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको ज़िप लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अदरवाइज इसकी स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल है कि आपने साइड से जो है वो स्टिचिंग कर देनी है लेकिन आपको जिप लगाना सही प्रॉपर जो है आपने जिप लगानी है वो आपको आनी चाहिए ये फ्रेंड्स हमने लगा दी अब आप दोनों साइडों से इसको स्टिच कर लेंगे स्टिच करने के बाद हम बना लेंगे अभी स्टिच करने से पहले अब हम इसको पूरा बंद करने से पहले दोनों पे प्लीट्स भी लगा लेंगे प्लीट्स आर ऑप्शनल अगर आप प्लीट्स नहीं लगाना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है अच्छा फिर उसके बाद प्लीट्स लगाने के बाद हम इसको साइडों से स्टिच कर लेंगे और जिप से हम जो है पिलो अपना इसमें लगा देंगे अब सबसे पहले मैं इस तरह करती हूँ कि प्लीट्स लगा लेती हूँ तकरीबन तीन प्लीट्स मैंने लगानी है दिस इज़ एक्चुअली ऑप्शनल स्टेप इफ़ यू डोंट वांट टू मेक प्लीट्स इट्स ऑल अप टू यू बट इफ यू वॉन्ट टू मेक प्लीट्स यू हैव टू टेक अपेट मोर ये फ्रेंड्स देखिए तीन प्लेट्स लगा ली हैं मैंने इसी तरह दूसरी साइड पर पिलो की दूसरी साइड पर भी आपने uh, इस तरह तीन प्लेट्स लगा लेनी है ये आपका तैयार हो जाएगा उसके बाद हम जिप को स्टिच कर लेंगे बहुत ही तरीके से आपने जिप को स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद आपने चारों साइडों से पिलो को स्टिच कर लेना है देन आफ्टर स्टिचिंग द जिप विद द क्लॉथ यू हैव टू स्टिच द होल कुशन फ्रॉम द फोर साइड द होल पिलो फ्रॉम द फोर साइड्स एंड देन इट्स ऑल कंप्लीटेड ये फ्रेंड्स आपकी ज़िप जो है वो लग गई है अब आपने सिंपल ये देखें इस तरह लगा हुआ है ठीक है अब आप इसको उल्टा जो है वो पूरा सी लीजिए ठीक है चारों साइडों से स्टिच फ्रॉम बोथ फोर साइड्स अब मैंने फोर साइड सी लिया आप देख सकते हैं अब ये जो है प्लीट्स हैं तो इनको आप इस तरह डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं सिंपल प्लीट्स भी छोड़ सकते हैं और जिप खोल के फिर आपने उसके अंदर कुशन डाल लेना है तो ये आपका हो जाएगा पिलो तैयार ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इट्स ऑलरेडी एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा और आपने इससे सीखा होगा इसी तरह एग्जैक्टली exactly आप सिंपल क्वेश्चन भी बना सकते हैं सिंपल क्वेश्चन के लिए आपको सेम कपड़ा चाहिए सेम मेजरमेंट्स uh, चाहिए होंगी दोनों साइडों की ये देख सकते हैं आप इट्स वेरी ईजी एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन सॉरी पिलो क्वेश्चन और पिलो एक्चुअली दोनों एक जैसे होते हैं तो इसमें मैं अक्सर क्वेश्चन को पिलो और पिलो को क्वेश्चन कह देती हूँ है फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाफ़